नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैनरा बैंक का ऑनलाइन सेविंग अकाउंट फॉर्म किस तरह भरा जाता है। वेल, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। वेल, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आएंगे हम गूगल पे और टाइप करेंगे बैंक का नाम जो है canarabank.com और इसे करेंगे सर्च। वेल, सर्च करने के बाद जो टॉप में यूआरएल आ रहा है ये ऑफिशियल साइट का, इसको करेंगे क्लिक। तो वेल, हम कैनरा बैंक की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। तो थोड़ा पेज को अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट साइड पे नीचे यहाँ की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का। तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा, या इस ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो होगा ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग का। तो इस पर आपको करना है क्लिक। अगर इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का पेज दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है और फ़ोन नंबर आपको वो वाला डालना है जो इस समय आप यूज़ करते हैं। और फ़ोन नंबर डालने के बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिया है उसको हूबहू आपको नीचे टाइप कर देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने जो नंबर फ़ोन नंबर अभी पिछले पेज में भरा था उस पर एक ओटीपी आएगा 4 नंबर का, वो आपको यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। वेल नाउ, यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ब्रांच चूज़ करना है, जो भी आपके घर के पास नज़दीकी ब्रांच हो कैनरा बैंक की उसको आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का अपना नंबर डाल देना, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको इसको क्लिक करके आई एग्री कर लेना है। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 को आपको कर देना है यस। फिलहाल मैं पैन कार्ड दे रहा हूँ तो फिर नाम मैं करूँगा फॉर्म 60 को नो पे। तो नीचे की डिटेल पासपोर्ट वोटर आईडी सब ऑप्शनल है तो इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद सिंपली ये डिटेल भरने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको इस वाले जो आइकन बना है इस पर क्लिक करना है ताकि आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाए। तो चलिए करते हैं क्लिक। फिर इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगी आधार बेस्ड, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। वेल, इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा। तो वेल, ये सब अकाउंट है जो कैनरा बैंक में आप खोल सकते हैं। SB जनरल, कैनरा जीवन धारा, व सीनियर सिटीजन, SB स्टाफ। तो ये सारे के सारे अकाउंट हैं। इनके बारे में और जानकारी के लिए इनके नीचे जो डिटेल बटन है इस पर क्लिक करके आप इनके बारे में और जान सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी अकाउंट जो भी आप खोलना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका टॉप में जो आइकन है उसको आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं जो सेलेक्ट करूँगा वो है SB जनरल। तो चलिए इसे करते हैं क्लिक। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म खुलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। चलिए देख लेते हैं इन सारी डिटेल को किस तरह भरना है। सबसे पहले आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, उसके बाद फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्योंकि हम पहले ही सबमिट कर चुके हैं। फॉर्म 60 नहीं होगा क्योंकि हमने पैन कार्ड सबमिट कर दिया है। अगर पैन कार्ड ना देते तो फॉर्म 60 भरना होता। तो कोशिश करिएगा आपके पास पैन कार्ड हो। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद फादर का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद फीमेल, अपनी मदर का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप फीमेल हो हैं और मैरिड है तो शादी से पहले जो नाम आपका होता है वो होता है मैडन नेम। तो आप अगर शादी के पहले जो भी आपका नाम हो, अगर आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। शादी हो चुकी है, अपने पार्टनर का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है स्पाउस नेम में। उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस में रेसिडेंट इंडिविजुअल कर देना है अगर इंडिया में रहते हैं। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो एड्रेस आपने क्योंकि पहले ही भर चुके हैं तो आपका एड्रेस यहाँ पे शो होने लगेगा। जो भी आपने आधार कार्ड में एड्रेस दे रखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाता है, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर एड्रेस टाइप फॉर परमानेंट एड्रेस, किस टाइप का एड्रेस है आपका, परमानेंट है, होम एड्रेस, घर का है, अगर घर का है तो रेजिडेंट, अगर बिजनेस का है तो बिजनेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें कस्टमर टाइप में आप यहाँ से जो भी आप टाइप के कस्टमर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो इंडिविजुअल पर टिक लगाना है, और अगर सीनियर सिटीज़न है 60 साल से ऊपर के तो आप सीनियर सिटीज़न जो भी आप जिस पे भी आते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन अपनी चूज़ कर सकते हैं, जितने आप पढ़े लिखे हैं।
उसके बाद अपनी इनकम चूज़ कर सकते हैं हर महीने की कितने की है साल भर की, तो मैंने ये पहला ऑप्शन चूज़ किया। उसके बाद प्रोफेशन आपको चूज़ करना है कि आप किस आपकी क्या प्रोफेशन है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने रिलीजन चूज़ करना है, और उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है किस कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड है या अनमैरिड वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सिंगल है तो मैंने सिंगल चूज़ कर लिया है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में फिलहाल मैंने जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों सबमिट किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आईडी प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ ने आधार कार्ड इसने ऑलरेडी जो है यहाँ पे ले लिया है, और आईडी प्रूफ का जो नंबर है वो उसके सामने शो करने ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पर चाहे तो मैं आधार को ही एड्रेस प्रूफ भी बना सकता हूँ, अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग उसके सामने उसका सीरियल नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ। फिलहाल मैं आधार कार्ड को ही एड्रेस प्रूफ बनाऊंगा, तो मैं इसको जैसा है वैसे ही रहने दूंगा। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब के अनुसार। उसके बाद कस्टमर फोटो, जो भी आपने पैन कार्ड में फोटो सॉरी जो भी आपने आपके आधार कार्ड में फोटो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटीज रिक्वायर्ड में आपको सारे के सारे नीचे के ऑप्शन को टिक मार्क कर लेना है। डू यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर नॉमिनी, अगर आपको नॉमिनी चाहिए तो येस करिए वरना नो करिए। मैं रिकमेंड करूँगा येस करिए। नॉमिनी वो इंसान होता है जिसको आप अपने परिवार में अपॉइंट करते हैं ताकि आपकी डेथ के बाद उसको सारे पैसे दे दिए जाए, तो परिवार में आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा। तो सबसे पहले जिसको भी नॉमिनी बनाएंगे उसका पूरा नाम आपको डाल लेना है। रिलेशनशिप क्या उसका आपसे से रिलेशन है वो आपको रिलेशन यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसका नाम आपकी पासबुक में प्रिंटेड हो तो यहाँ क्लिक करके उसको चेक इन कर लीजिएगा। आप उसकी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, और उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से क्लिक करके उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है आपको। उसके बाद उसका एड्रेस पूछा गया, उसका एड्रेस क्या वही एड्रेस है जिस एड्रेस आपने दे रखा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी एड्रेस आपने दे रखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो वह सारी का सारा ये पूरा का फॉर्म पूरी तरह से भर चुका है, अब आपको करना है सबमिट पे क्लिक। फिर उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि वेरीफाई द डिटेल, यानी कि जो भी आपने डिटेल इस फॉर्म में भरा है वो सारा का सारा एक बार आपको फिर से चेक करना है, ताकि कोई भी अगर अभी भी मिस्टेक हो तो आप उसको जाके उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने दोबारा चेक कर लिया कि सारी सारी डिटेल एकदम सही है। जब एक बार आप कंफर्म हो जाए तो कंफर्म पे क्लिक करना है, और उसके बाद आर यू रेडी टू सबमिट पे आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो वेल फाइनली आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। ये है रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर को आपको करना है नोट, और जिस भी ब्रांच से आपने अप्लाई किया वो नीचे शो होगा। इस ब्रांच में आपको विजिट करना है 7 दिन के अंदर, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे कि आपने आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ये ओरिजिनल लेके जाने हैं, साथ ही साथ फोटो कॉपी और एक फ़ोटो लेके, और जिस भी अकाउंट के लिए आपने अप्लाई किया उसका जितना भी मिनिमम बैलेंस है जिससे अकाउंट स्टार्ट होगा वो पैसा भी आपको लेके जाना है कैश में, और बड़ी आसानी से आप अपने अकाउंट को कैनरा बैंक में खोल सकते हैं। तो वेल ये था तरीका किस तरह से आप ऑनलाइन कैनरा बैंक सेविंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमेशा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।